अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एनएमएमसी चुनाव वार्ड आरक्षण की घोषणा, 56 वार्डों में महिलाओं को मिला मौका, महापौर समेत 13 बड़े नगर सेवकों को लगा झटका। नवी मुंबई महानगर पालिका के 111 वार्डों के आरक्षण की आज घोषणा हो गई। वासी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में मनपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी ने प्रभागों की लॉटरी खोली। इससे महापौर और पूर्व सभागृह नेता समेत 13 दिग्गज नगर सेवकों को जोर का झटका लगने की खबर है। नवी मुंबई में 56 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। जाहिर है 2 महीने बाद नवी मुंबई मनपा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बदले आरक्षण ने कई बड़े नगर सेवकों की टेंशन बढ़ा दी है। पूर्व महापौर मनीषा भोईर का वार्ड SC हो गया है, जबकि कोपर खेरने में शिवराम पाटिल, रवाले के कातकरी पाड़ा में महापौर सुधाकर सोनावने और रंजना सोनावने एवं सानपाड़ा में सोमनाथ वास्कर के प्रभाग में आरक्षण बदल गया है। आइए सुनाते हैं आरक्षण की घोषणा के बाद मनपायुक्त ने जानकारी देते हुए क्या कहा। ये जो आरक्षण है SC ST BCC महिला एंड जनरल, ये सबके लिए जो राज्य निवडणूक आयोग के जो भी मार्गदर्शक सूचनाएं हैं उसके तहत ही किया जाता है। और ये जब करते हैं तो इसमें 2011 का जो सेंसस है उसका पॉपुलेशन ध्यान में लिया जाता है, और 2005, 2010 और 2015 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो आरक्षण किया गया था वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है। तो जहाँ ये डायरेक्ट आरक्षण किया जा सकता है वो कमीशन ने करके दिया हुआ है एज़ पर देयर गाइडलाइंस, तो इसमें उनको भी कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, उन्होंने भी अपने लिए गाइडलाइन बनाए, वो गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने ये आरक्षण करके दिया है। और जहाँ लॉटरी निकालने की जरूरत थी, लॉट निकालने की जरूरत थी, वहाँ आज यहाँ ये प्रक्रिया की गई। और आप सब ने देखा होगा कि ये प्रक्रिया बहुत ही शांततापूर्ण वातावरण में की गई है, और इसकी सब पूरी जानकारी अभी हम वेबसाइट पर डालेंगे और नोटिस बोर्ड पर भी वो पब्लिश किया जाएगा। ऑब्जेक्शन लेने के लिए कमीशन ने जो प्रोग्राम दिया है वो हिसाब से 3 फरवरी से 10 फरवरी के दरमियान जो कार्यालयीन टाइम है, समय है, उसमें ये ऑब्जेक्शन आप दाखिल कर सकते हैं। ये दाखिल करने के लिए आपको वार्ड ऑफिस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ का हमारा इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ आप ये सबमिशन कर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसलिए नवी मुंबई में अगला चुनाव महाविकास आघाड़ी साथ लड़ने की तैयारी में है। शिवसेना का लक्ष्य मनपा पर भगवा फहराना है। हालांकि भाजपा नेता विधायक गणेश नाइक ने दावा किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और नवी मुंबई में उनके नेतृत्व में ही सत्ता स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है, इसलिए NMMC में एक बार फिर हम सत्ता हासिल करेंगे। विनम्रपणे सांगतो, ह्या नवी मुंबई जनता या ठिकाणी नेतृत्व करायला आम्हालाच संधी देणार आहे, म्हणजे मी गणेश नाईकला नाही, आम्हालाच संधी देणार आहे हे विश्वासाने सांगतो। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।